वेलकम ऑन माय चैनल। माय नेम इज समृता। जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल समझ में आ रहा हो कि वीडियो किस बारे में है, ये है कि क्लीनअप घर पे कैसे किया जाए। जैसे कि कुछ भी फंक्शन होता है तो लेडीज़ वगैरह सब पार्लर भागते हैं और इतनी भीड़ होती है तो नहीं हो पाता है, इसीलिए कि ये है कि आप अपने घर पे खुद से कर पाएंगे, प्लस अफोर्डेबल है, आपको कम प्राइस में आप ना अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लीनअप का। फर्स्ट स्टेप आता है हमारा फेस वॉश। देखो, जितने भी हमारा स्किन केयर है, कुछ भी है, क्लीनअप है, फेशियल है, कुछ भी है, फेस वॉश हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है हर एक चीज़ में। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ निव्या का डिलाइट फेस वॉश, मिल्क डिलाइट फेस वॉश, और उसका MRP है 165। और ये ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करे। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करो, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें सब बताया है कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। अगर ड्राई है तो कैसा यूज़ करना चाहिए, और ऑयली है तो कैसा यूज़ करना। अभी हम लोग वॉशरूम में आ चुके हैं और अभी क्लीनअप के स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोग देखो मेरे फेस पे मेकअप है, तो पहले मेकअप हटा लेते हैं। ठीक है, ओके। मेकअप हटाने से पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अपने बालों को पीछे कर लीजिए, नहीं तो अच्छा वो सही नहीं होगा। बाल अपने पूरे पीछे कर लीजिए। ठीक है, अभी पे पहले अपना फेस को साफ करूंगी। अभी मैं यहाँ पे गार्नियर का मिसलर वाटर यूज कर रही हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए। तो हमारा मेकअप ऑलमोस्ट साफ हो चुका है। और हाँ, एक और चीज़, अपना निख को साफ करना ना भूले, बिकॉज हम लोगों ने मेकअप किया, मैंने मेकअप किया और जो मेकअप मेरा निक पे भी था, फाउंडेशन मैंने निक पे भी लगा के रखा था, तो इसीलिए निक को भी साफ करना बहुत जरूरी है, निक को नहीं स्किप कर सकते। तो मेरा साफ हो चुका। एक्चुअली मैं ये निव्या का ड्राई वाला स्किन, ड्राई स्किन के लिए इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं जो यूज़ करती थी फेस वॉश बायोटिक का, वो मेरा ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैं मोम का यूज़ करके दिखा रही हूँ। ये ड्राई स्किन वालों के लिए, और मेरी स्किन ऑयली है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करिएगा। पहले अपने फेस को वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा अमाउंट लेना है, आप देख सकते हो बिल्कुल मिल्की जैसा है ये। मैं अपना थोड़ा देर इसको मसाज करूंगी, अपने फेस से सारा डर्ट हटाऊंगी, सब हटाऊंगी। हाँ, अपने नेक को करना मत भूलिएगा आप लोग। आप देख सकते हो मेरा पूरा चेहरा साफ हो चुका है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है क्लींजिंग। ठीक है, बाद में हमारा सेकंड स्टेप है स्क्रब। स्क्रब के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो पपाया स्क्रब, और ये सारे स्किन टाइप के लिए इस पर लिखा हुआ है कि ओवर ऑल स्किन टाइप, प्लस का MRP है 75 रुपीज़ का MRP है 75 रुपीज़। बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको स्क्रब से पहले अपना फेस स्टीम करना है, फेस वॉश के बाद पहले आप स्टीम करोगे, उसके बाद स्क्रब यूज़ करोगे, बिकॉज हम लोग स्टीम इसलिए करेंगे, स्टीम करने से ये होता है हमारे फेस को गरम मिलेगा, हमारे फेस के जो पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे कि अगर ठंडा पानी, अगर हम लोग आइस क्यूब्स वगैरह लगाते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, आइस क्यूब्स रब करते हैं अपने फेस पे, तो हमारा फेस टाइटन होता है, हमारे फेस के पोर्स श्रिंक होते हैं। बट जब हमारा स्टीम लेते हैं, हमारे फेस पे गर्म पड़ता है, कुछ भी होता है गर्म पड़ता है, तो हमारे फेस के पोर्स ओपन होते हैं। हम लोग इसीलिए स्टीम लेंगे जिससे कि हमारे फेस के पोर्स ओपन हो जाए। ठीक है, उसके बाद स्क्रब करेंगे तो हमारा स्क्रब अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, हमारे स्किन जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं, हमारा ब्लैक हेड्स वगैरह है, व्हाइट हेड्स है, वो अच्छे से चला जाएगा, समझ गए। तो अभी हम लोग स्क्रब करेंगे। स्क्रब हमारा बायोटिक का है, आपको और भी अच्छे से स्क्रब मिल सकते हैं, आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपने टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हो, बट बायो पपाया है तो ये हर स्किन टाइप के लिए आप स्कोप ही लिखे। तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। मैं स्क्रब के लिए ये बायोटिक का बायो पपाया यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अमाउंट अपने फिंगर पे ले लिया है, पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा वेट करती हूँ। ठीक
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्क्रबिंग। मैं देखिए स्क्रब कर रही हूँ सर्कुलर मोशन पे पूरे नोज के पास, जहाँ जहाँ पे मेरे ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स है, डेड स्किन है, वहाँ पे मैं अपना स्क्रब कर रही हूँ। बहुत अच्छा स्क्रब है ये, मॉइस्चराइजिंग स्क्रब है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, बहुत सही स्क्रब है। आप मतलब कि शायद देख सकते हो इसके स्मॉल पार्टिकल्स मेरे हाथ पे है। डोंट फॉरगेट टू स्क्रब योर नेक एज वेल, नेक को स्क्रब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मैंने अपना फेस स्क्रब कर लिया है 15 मिनट तक, और हाँ याद रखिएगा अपना फेस को स्टीम करना मत भूलिएगा स्क्रब से पहले। हमारा ये सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, मैंने अपना नेक को भी अच्छे से स्क्रब कर लिया है। 15 मिनट्स हो चुके हैं मैंने इतना स्क्रब कर लिया है। ठीक है, तो अभी फेस वॉश कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट स्टेप। हमारा लास्ट स्टेप है हमारा फेस पैक। फेस पैक के लिए मैं यहाँ पे दो फेस पैक है मेरे पास, जैसे कि अभी मेरे पास हिमालय हर्बल्स का ही फेस पैक है, ये फेयरनेस फेस पैक है, ये सिर्फ फेस के लिए ही है, ठीक है। और इसका MRP है 75 rupees, ये भी आपका लाइक डेढ़ महीना आराम से चल जाएगा। पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, हिमालय के प्रोडक्ट्स वैसे भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये हमारा टर्मरिक हल्दी और केसर से है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारा सेकेंड फेस पैक है हमारा एवर यूथ का, और ये क्या कहते हैं, टैन रिमूवर फेस पैक है, जैसे भी जो हमारी टैनिंग वगैरह हो जाती है उसके लिए है। ये चॉकलेट इन चेरी फ्लेवर का है, और ये हाँ ये बॉडी के लिए भी आप इसको बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो, फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसका MRP है 100 rupees, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, नायका अमेजोन वगैरह किसी भी स्टोर वगैरह पे, इवन जैसे कि मेडिकल शॉप वगैरह पे भी आपको ये इजीली मिल जाएगा। मैं हिमालय का फेस पैक यूज़ कर रही हूँ, केसर फेस पैक है, हल्दी और केसर वाला है, ठीक है। तो हल्दी तो आपको पता होगा हमारी स्किन के लिए अच्छी, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह है हल्दी उससे लड़ता है, लड़ता क्या मतलब कि हमारी स्किन को अच्छा रहता है, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं सेफ रखता है हमारी स्किन को। केसर तो वही होता ही हमारी स्किन के लिए अच्छा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट लूँगी अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जितना मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे फेस पैक लगा लिया, मैं थोड़ा सा भूत जैसा लग रही हूँ, बट कोई बात नहीं, फिर इसको धोने के बाद ये अच्छा अच्छा हो जाएगा, तो इट्स ओके। तो मैंने अभी फेस पैक लगा दिया है, अब इसको वेट करते हैं सूखने के लिए, जब ड्राई हो जाएगा तब फेस वॉश करते हैं, 15 मिनट के आसपास लगेगा सूखने में, तब तक हम लोग वेट करते हैं इसके सूखने का। ओके, ठीक है, तो अभी हमारा ये फेस पैक अच्छे से सूख चुका है, आप देख सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब मैंने ये फेस पैक लगाया था थोड़ा सा जलन वगैरह होता है, थोड़ी सी जलन वगैरह होगी, बट अभी मैं इसको वॉश कर देती हूँ। ओके, ठीक है, तो हमारा पूरा ये क्लीन अप हो चुका है, आप मेरे स्किन पे फर्क देख सकते हो, अभी मेरा फेस काफ़ी ग्लोइंग लग रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि फेस वॉश कर चुकी हूँ तो सॉफ्ट तो है, बट मुझे तो अभी भी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है, तो अभी मैं मॉइस्चराइजर कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस क्लीनर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल हो, तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर देगा, जिससे कि आपको और भी
पता चल जाए कि जैसे कि जो भी मेरा न्यू वीडियो आएगा तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, मैं एक और ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी क्या कहते हैं, कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है और आज जैसे कि जनता कर्फ्यू है, तो प्लीज़ अपने घरों में रहिए, कहीं मत जाइएगा। और हाँ, शाम को 5 बजे हमारे क्या कहते हैं, जो भी हमारा कर रहे हैं, अप्रिशिएट करेंगे उनको, पुलिस है, डॉक्टर्स है, जो भी अपना काम इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनके लिए तालियां बजाएंगे। मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा।